दोस्तों आज हम मम्मी जी से गुजराती पारंपरिक छुंदा किस तरह से बनाया जाता है वो देखेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और छुंदा को हम बिना तेल और कम से कम मसालों के साथ बनाएंगे, फिर भी हम छुंदा को बिना फ्रीज साल भर तक रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना गुजराती छुंदा रेसिपी। दोस्तों यहाँ मैंने 1.5 किलो राजापुरी कच्चा आम लिया है, जिसमें से हमने 1/2 किलो आम का मेथी वाला अचार बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है और लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और आज हम 1 किलो आम का छुंदा बनाएंगे। केरी को मैंने अच्छे से धो लिया है, जिसे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। पोंछना ज़रूरी है क्योंकि अचार में एक भी पानी की बूंद नहीं जानी चाहिए। अब आम का डंठन वाला पार्ट हटा देंगे और छिलके निकाल लेंगे। वैसे तो जब हम अचार के लिए केरी लेने जाते हैं तो केरी वाला भैया टुकड़ा करके या फिर कद्दूकस करके देते हैं, लेकिन घर पर हम आम को अच्छे से धोकर फिर पोंछकर टुकड़ा या फिर कद्दूकस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 किलो राजापुरी आम के छिलके निकाल लिए हैं, जिसे कद्दूकस करेंगे। अब उसी में 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हाथ से ही अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे 2 से 3 घंटों के लिए ढक्कन लगाकर रहने देंगे। हमने 1 किलो केरी ली है तो चीनी भी हमें 1 किलो लेनी होगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप 1 किलो आम के साथ 1/4 किलो चीनी ले सकते हो। 3 घंटे के बाद 1 किलो चीनी को हमने पीस लिया था, जिसे हम आम के साथ ऐड करेंगे। दोस्तों अगर हम चीनी को इस तरह से पीस कर ऐड करेंगे तो केरी के साथ चीनी अच्छे से घुल जाएगी। अगर आप बिना पीसे ही चीनी ऐड करोगे तो चीनी को मेल्ट होने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। और 8 से 10 घंटों के लिए ढक्कन लगाकर रहने देंगे। 10 घंटे के बाद अच्छे से मिला लेंगे और बिल्कुल पतले वाले कपड़े से ढक देंगे और दोरी से बांध देंगे। दोस्तों कपड़ा जितना पतला होगा उतना ही हमारा छुंदा जल्दी बनेगा। अगर झाड़ा वाला कपड़ा हम यूज़ करेंगे तो धूप कम लगेगी और छुंदा जल्दी बनेगा नहीं। अब छुंदा को हमें कड़ी धूप में 5 से 6 दिन रखना होगा। मैंने टेरेस पर रखा है और छुंदा के ऊपर इस तरह से छलनी रख दी है, क्योंकि हमने टेरेस पर रखा है तो पंछी इसे ख़राब ना करें, इसलिए इस तरह से छलनी रखी है। 6 दिन धूप में रखने के बाद आप देख सकते हो कि छुंदा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ आप चाहे तो 1 चम्मच जीरा भी ऐड कर सकते हो और मिर्ची की मात्रा आप अपने स्वादानुसार घटा या बढ़ा सकते हो। हमने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, जिससे हमारा छुंदा स्पाइसी नहीं बनेगा लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ हमारा छुंदा तैयार है। अब इसे 1 से 2 घंटों के लिए फिर से धूप में रखेंगे। मेरे घर में ही धूप आ रही है तो मैंने इसे घर में ही रखा है। अगर आप टेरेस पर या बालकनी में रखने वाले हो तो इसे कपड़े से ढककर जरूर रखिएगा। और जिस बोतल में हमें छुंदा भरना हो इसे भी साफ करके थोड़ी देर धूप में जरूर सुखा लीजिएगा। 2 घंटे के बाद छुंदा को बोतल में भर लेंगे। दोस्तों इस छुंदा में हमने ना तेल का यूज किया है ना ज़्यादा मसालों का, और इस छुंदा को कभी भी फ्रीज में ना रखें। छुंदा को हमें बाहर ही रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करना है, और रूम टेम्परेचर पर रखने के बावजूद भी छुंदा 1 से 2 साल तक खराब नहीं होगा। आप इसे रोज़ाना खाने के साथ खा सकते हो, लेकिन छुंदा खाने का मज़ा थेपला के साथ ही आता है। दोस्तों आपको गुजराती छुंदा रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।